केंद्र सरकार की इस पहल से पेंशनरों को मिलेगी बड़ी राहत। आज से शिकायतों का अब घर बैठे होगा समाधान। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए सोमवार को एक विशेष अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में ऑनलाइन पेंशन शिकायत एवं निवारण प्रणाली पर प्रतिवर्ष लगभग 90 पेंशन भोगियों के लिए सरकार की क्या है तैयारी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कुल शिकायतों में से पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतें लगभग 20-25% हैं। बयान में कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा महिला पेंशन भोगियों का है। इसमें अधिकांश शिकायतें रक्षा पेंशन भोगियों, रेलवे पेंशन भोगियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF पेंशन भोगियों से संबंधित है। घर बैठे दर्ज करा सकते हैं शिकायत, जानिए कैसे। इसमें कहा गया है कि बैंक संबंधी मामले भी काफी संख्या में है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 1 से 31 जुलाई के दौरान पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए विशेष अभियान चलाएगा, जिसमें 40 मंत्रालय विभाग भाग लेंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन शिकायतों के लंबित मामलों में पर्याप्त कमी लाना है। शिकायतें सीधे या आवेदक द्वारा पोर्टल पर या ईमेल, डाक या टोल फ्री नंबर के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।